नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। 28, 29 और 30 को 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कुमारकांत पे, जो हमारे बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड है, उस पर होने जा रहा है। बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस हुए हैं इस समय टेक्नोलॉजी के थ्रू, बहुत सारी स्टडीज के थ्रू, उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम कैसे चिकित्सा में अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, इस पर 3 दिन का मंथन होने जा रहा है। शहर के, अपने देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। 12 देश के रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। 8 MOU हम साइन करने जा रहे हैं इसमें इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ। कुछ 11 MOUs हम नेशनल के लेवल पर करने जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फ़ायदा मिल सके। हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि PG वालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है सेमिनार, उनके द्वारा पेपर पढ़े जाते हैं, तो करीब करीब 425 लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिसमें कि 395 पेपर पढ़े जाने वाले हैं, 25 के करीब पोस्टर प्रेजेंटेशन होने वाले हैं। हमारे पास करीब करीब 70 लोग आ रहे हैं जो कीनोट स्पीकर रिसोर्स पर्सन के रूप में बोलने वाले हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं और पूरे देश से लगभग हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी जगह से लोग आ रहे हैं। तो 3 दिन का ये प्रोग्राम हम सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं, और हमें कुछ नई चीज़ें मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है। हम देखते हैं कि बच्चों के लिए, हम सभी लोग, कुछ भी हो जाए बच्चों के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, अपने घर खेत भेज देते हैं, घर भेज देते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जनरेशन जो है अच्छे से अच्छे आयुर्वेद का अगर सिस्टम से पालन करके चले, हम इंडियन कल्चर का पालन करके चले, ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते हुए चले, हमें लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है हमें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको फोकस लेते हुए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। हम इस प्लेटफॉर्म से भी अपने इस डिपार्टमेंट का, स्पेशली व्यास जी का, हरीश जी का, अशोक जी का और अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सबके साथ लगते हुए इस लेवल तक लेके आए कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने की हालत में पहुँच सके। तो हम सभी, आप सब लोगों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सब लोगों ने यहाँ पे आकर हमारे इस सेमिनार में 4 चांद लगा दिए, धन्यवाद। राज्यपाल महोदय, जो हमारे चांसलर भी हैं, उनके हाथों होने वाला है इसी प्रोग्राम में। हमारे पास हरिशंकर शर्मा जी जापान से, जो 95 ईयर ओल्ड है, और यह संयोग से उनकी जोधपुर जन्मभूमि, क्या कर्मभूमि भी रही है, वो भी आ रहे हैं अपने उसके साथ। साथ ही साथ एक हमारे होम्योपैथिक हॉस्पिटल का भी इनॉग्रेशन राज्यपाल महोदय के द्वारा होगा। इस प्रोग्राम में हमारे राज्यसभा सांसद राजेंद्र सिंह गहलोत और हमारे विधायक जोगाराम पटेल जी उपस्थित रहने की संभावना है, पूरी उनकी तरफ से आ गया है मैसेज हमको। बाकी सब हम आयुर्वेद वाले तो लोग यहाँ पे रहेंगे। इस प्रोग्राम में 6 VC 6 वाइस चांसलर आ रहे हैं हमारे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके सबके वाइस चांसलर आ रहे हैं हमारे पास। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।